स्टूडेंट्स, वी आर कंटिन्यूइंग विद द डिस्कशन ऑफ शॉटिंग टेक्निक्स। हमने शॉटिंग टेक्निक्स में बबल शॉट को स्टडी किया और हमने देखा कि वहाँ पर एडजेसेंट एलिमेंट्स में कंपैरिजन होता है और एलिमेंट्स की शिफ्टिंग की जाती है। टुडे वी विल स्टडी अबाउट सिलेक्शन शॉट। देखिए, जैसा कि इसके वर्ड के लिटरल मीनिंग से ही मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सिलेक्ट किया जाएगा और उसको उसकी पर्टिकुलर प्लेस पे शिफ्ट किया जाएगा। नाउ स्टूडेंट, सिलेक्शन शॉट होती क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले, सिलेक्शन शॉट इज अनदर शॉटिंग टेक्निक इन विच वी फाइंड द मिनिमम एलिमेंट इन एवरी इटरेशन एंड प्लेस इट इन द एरे बिगनिंग फ्रॉम द फर्स्ट इंडेक्स। देखिए, जो भी मेरे पास में शॉटिंग एरे होगी, इसमें सबसे जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे और उसको उसकी पर्टिकुलर प्लेस में, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में 2, 1, 6, 3। नाउ अगर मैं इस एरे को देखूँ तो मेरे पास में 1 स्मॉलेस्ट है, तो 1 को हम सबसे पहले फर्स्ट इंडेक्स पे लेके जाएंगे। अब 2 जो था वो 1 वाली प्लेस में आ गया। अब फिर हम सर्च करेंगे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट एलिमेंट, जो मिनिमम एलिमेंट है, जो मिनिमम वैल्यू है, उसको फाइंड आउट किया जाता है। और एवरी इटरेशन का मीनिंग ये है कि जितने टाइम आपका लूप चलेगा उसमें मिनिमम एलिमेंट को फर्स्ट इंडेक्स से, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ एरे, हम उसको प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो सिलेक्शन शॉट जो है वो भी क्या करती है, डिवाइड कर देती है एरे को दो पार्ट्स में। एक शॉर्टेड एरे होती है, दूसरी आपकी अनशॉर्टेड एरे होती है, क्योंकि हम एलिमेंट्स को 1 by 1 यहाँ प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। मिनिमम एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स पे आया, फिर हमने सर्च किया एरे को, फिर स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हम सेकंड इंडेक्स पे लेके आ गए। इट मींस ये जो एरे है, बिगनिंग से जो एरे एलिमेंट शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, वो तो हमें शॉर्टेड एरे मिल जाएगी, और उसके बाद के जितने एलिमेंट्स होंगे वो आपके क्या होंगे, अनशॉर्टेड होंगे। नाउ स्टूडेंट्स, सिलेक्शन शॉट के बारे में अगर हम बात करें तो इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो मेस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, सबसे पहला है ये कंपैरिजन बेस्ड शॉटिंग एल्गोरिथम है। देखिए, यहाँ पर भी हमें दो एलिमेंट्स के बीच में कंपैरिजन करना ही करना है, क्योंकि हम यहाँ पे शिफ्टिंग कर रहे हैं। सेकंड, ये एक इन प्लेस शॉटिंग टेक्निक है। देखिए, इन प्लेस का मतलब क्या है कि मुझे ये पता है कि मेरे पास में 5 एलिमेंट्स हैं, इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, उसको मैं फर्स्ट प्लेस पे लेके जाऊंगा। अब मेरे पास में 4 एलिमेंट्स रह गए। अब 4 एलिमेंट्स में मैंने सर्च किया कौन सा स्मॉलेस्ट है, फाइंड आउट करने के बाद में उसको सेकंड पोजीशन में प्लेस कर दिया। मतलब ऑलरेडी पहले से इसकी प्लेसेस डिसाइड आप कर सकते हैं, इन प्लेस शॉटिंग टेक्निक कहलाती है। देखिए, अनस्टेबल क्यों कहा गया है, अनस्टेबल शॉटिंग एल्गो इसलिए कहा गया है, सपोज मेरे पास में 4 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं, डुप्लीकेट एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे कोई ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता है। कि सपोज़ कि मेरे पास में ये 5 एलिमेंट्स ले लीजिए, मेरे पास में 1 है, 3 है, 6 है, 9 है, 6 है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ऑर्डरिंग क्या है कि जो एलिमेंट सेकंड इंडेक्स पे है और जो एलिमेंट 5 इंडेक्स पे है, उनको अपने ऑर्डरिंग के अकॉर्डिंग प्लेस होना चाहिए अपनी पोजीशन से। बट ऐसा नहीं होगा, 5th एलिमेंट पहले आ सकता है, सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट है, डुप्लीकेट एलिमेंट है, उनकी पोजीशन इंटरचेंज हो सकती है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो O(n)² की कॉम्प्लेक्सिटी होती है। सिलेक्शन शॉट बेस्ट एल्गोरिथम है जब हम, व्हेन स्वैपिंग इज़ ए कॉस्टली ऑपरेशन। देखिए, अगर आपके पास में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और आप उनको फास्टली एरे को शॉर्ट करना चाह रहे हैं, तो सिलेक्शन शॉर्ट क्या है, हमारे पास में एक बेस्ट टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम एलिमेंट्स को उसकी पर्टिकुलर पोजीशन पे प्लेस कर सकते हैं।
नाउ स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे जितनी बार इटरेशन परफॉर्म करेंगे, जितनी बार यहाँ पर लूप चलेगा, सिलेक्शन शॉर्ट में स्मॉलेस्ट एलिमेंट को होल एरे में से सर्च किया जाता है और जो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट होते हैं वो आपकी अनशॉर्टेड एरे कहलाती है। स्टूडेंट्स, इसके एल्गो की बात करूं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द एरे एंड स्वैप इट विद द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सर्च करेंगे और जो फर्स्ट एलिमेंट है एरे का उससे हम क्या कर देंगे, इसको स्वैप करा देंगे। इसके बाद में जो भी मेरे पास में एरे बची, जैसे 5 एलिमेंट्स हैं, 5 में से मैंने स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सर्च कर लिया, उसको फर्स्ट पोजीशन में मैंने प्लेस करा दिया, मेरे पास में 4 एलिमेंट्स बचे। अब मुझे उनमें से स्मॉलेस्ट एलिमेंट को देखना है। अब हम दोबारा वही प्रोसेस को फॉलो करेंगे, हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट को एरे में से सर्च करेंगे और उसको A1 पोजीशन पे हम क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि हमारे पास में शॉर्टेड एरे ना आ जाए, शॉर्टेड लिस्ट ना आ जाए। स्टूडेंट्स, इसके एल्गोरिथम की बात करें तो यहाँ पर हमें लूप चलाने होंगे। लूप हमारा फर्स्ट पोजीशन से लेके N-1 पोजीशन तक चलेगा। इसके बाद में मिनिमम एलिमेंट हमने फाइंड किया, देन उसकी जो पोजीशन होती है उसको फर्स्ट पोजीशन पे हम क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं। देखिए, सिंपलेस्ट लूप है आपका। इसके बाद में हम इनर लूप चलाएंगे जिसमें कंपैरिजन परफॉर्म होगा, क्या जो आपने मिनिमम एलिमेंट फाइंड किया है वो जिस एलिमेंट से आप कंपैरिजन कराना चाह रहे हैं उससे ग्रेटर है या स्मॉलेस्ट है। देखिए, अगर ग्रेटर है तो मिनिमम में एयर ऑफ जे को आप प्लेस कर देंगे, अदरवाइज़ वो वैसे का वैसा ही रहेगा। हम इफ़ को एंड कर देंगे और लास्ट में आपका यहाँ पर लूप भी क्या हो जाएगा, आपका फिनिश हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इसके देखिए बेसिक एल्गो को देखते हैं। स्वैपिंग परफॉर्म होगी, बाद में आप दोनों लूप्स को एंड कर देंगे, इफ़ भी आपका कंडीशन को आप क्लोज कर देंगे। नाउ अब देखिए इसकी वर्किंग कैसे चलती है, हमें ये समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द सिलेक्शन शॉर्ट एल्गोरिथम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल। हमारे पास में कुछ एलिमेंट्स हैं, मेरे पास में 8 एलिमेंट्स की एक एरे है जिसमें 40, 10, 35, 15, 22, 10 और 7। अब देखिए, सबसे फर्स्ट जो स्टेप होगा उसमें हम सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सर्च करेंगे। अगर हम इसको देखें तो 2 क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट है। अब 2 को हम फर्स्ट पोजीशन पर लेके जाएंगे और उसके बाद में इन दोनों में इंटरचेंजिंग हो जाएगी, 40 आपका यहाँ पर चला आएगा, 2 आपका फर्स्ट इंडेक्स पे चला जाएगा। नाउ देखिए, इटरेशन फर्स्ट में क्या हुआ, इटरेशन फर्स्ट में इन दोनों एलिमेंट्स की स्वैपिंग हुई। जैसे कि मैंने आपको बताया, एरे में से सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 2 है, 2 को मैं फर्स्ट पोजीशन पर लेके जाऊंगा। अब मेरे पास में जो एरे आएगी वो एरे किस तरीके की आ जाएगी, ये वाली एरे जाएगी, 2, 10, 35, 15, 40। नाउ अब देखिए, दोबारा सेकंड मैंने आपको बताया था मेरे पास में 2 एरे मिल गई, एक ऐसी एरे जो कि अनशॉर्टेड है, दूसरी एरे जो कि शॉर्टेड है। देखिए, ये ऑलरेडी शॉर्टेड एरे होती चली जाएगी आपके लेफ़्ट टू राइट अगर आप जाते हैं, और राइट टू लेफ्ट अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे एलिमेंट को सर्च करना है और ये जो एरे है मेरी अनशॉर्टेड एरे है। नाउ स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखिए सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 7 है, 7 को मुझे सेकंड प्लेस पर लेके जाना है और 10 आपका 7 की प्लेस पे आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, सेकंड इटरेशन के बाद में जब हम थर्ड इटरेशन को देखते हैं, थर्ड इटरेशन में देखिए, मैंने आपको बताया था 2 एरे आपको मिल जाएंगी, ये एरे शॉर्टेड होती जा रही है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरे पास में अनशॉर्टेड एरे है, एलिमेंट्स अरेंज्ड नहीं है। नाउ अब दोबारा देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 10 है, तो 10 को मैं थर्ड पोजीशन पे लेके जाऊंगा और 35 आपका कहाँ आ जाएगा, 10 की पोजीशन पे आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, इटरेशन 4 में सेम वही वर्किंग मुझे परफॉर्म करनी है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट 10 है, 10 को दोबारा मैं क्या कर दूंगा, फोर्थ पोजीशन पे लेके जाऊंगा, 15 आपका यहाँ पर आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे
इटरेशन बढ़ते जा रहे हैं, लूप आपका चलता जा रहा है। एवरी टाइम जितनी बार आप लूप चला रहे हैं उतनी बार आपको एक एलिमेंट अपनी पर्टिकुलर पोजीशन पे प्लेस हो जा रहा है, इसलिए हम इसको इन प्लेस शॉर्टिंग भी बोलते हैं। देखिए 2 से लेके 2, 7, 10 ये शॉर्टेड एरे है, ये आपकी क्या है, अनशॉर्टेड एरे है। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद हम अपना 5th इटरेशन परफॉर्म करेंगे। अब मुझे यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सर्च करना है। 15 क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, इसको इसकी प्लेस देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं 4th प्लेस तक बात करूँ तो एलिमेंट शॉर्टेड है, इट मीन्स 20 से इसकी स्वैपिंग परफॉर्म कर दी जाएगी। 15 5th पोजीशन पे चला आएगा और 20 आपका लास्ट पोजीशन पे चला जाएगा। नाउ अब हम 6th इटरेशन परफॉर्म करेंगे। मेरे पास में 5 एलिमेंट शॉर्टेड आ चुके हैं और 3 एलिमेंट अनशॉर्टेड हैं। नाउ स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 20 है, 20 को 6th पोजीशन पे लेके चले जाएंगे और 40 आपका लास्ट पोजीशन पे आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं 7th इटरेशन की बात करूँ तो देखिए अब मुझे शॉर्टिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एलिमेंट क्या है, शॉर्टेड है, लेकिन सर्चिंग यहाँ पे परफॉर्म होगी। 8 एलिमेंट्स हैं तो आपका जो लूप है जितने इटरेशंस होंगे, इट मींस 8 टाइम्स आप यहाँ पर इटरेशंस को परफॉर्म करेंगे। अगर मेरे पास मेरे में 8 एलिमेंट्स हैं सिलेक्शन शॉर्ट में तो लूप आपका 8 टाइम चलेगा। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें एक शॉर्टेड एरे मिल जाती है। नाउ तो स्टूडेंट्स, जो इसका बेसिक एल्गो है वो ये है कि आपके पास में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स में से आप स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करते हो और उसको फर्स्ट पोजीशन पर लेके जाते हो। इसके बाद जो एलिमेंट्स बचे उनमें से स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट किया जाएगा और उसको सेकंड पोजीशन पे लेके जाएंगे। इस तरीके से पूरी की पूरी एरे आपकी शॉर्टेड होती है। 8 एलिमेंट्स हैं तो 8 टाइम आपका लूप चलेगा, 4 एलिमेंट्स हैं तो 4 टाइम आपका लूप चलेगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब जब हम सिलेक्शन शॉर्ट को परफॉर्म कर देंगे तो मेरे पास में इस तरीके से ये पूरी की पूरी एरे शॉर्टेड आ जाएगी। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है कि यहाँ पर डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं। देखिए 10 है और मेरे पास में 10 है, इनका ऑर्डर चेंज हो गया। अगर मैं स्टार्टिंग एरे को देखूं तो आपको ये पता चलेगा कि इटरेशन 1 में जो मेरे पास में 10 है जिसको कि मैंने रेड बॉर्डर प्रोवाइड किया है और जो मेरे पास में 10 है जिसको कि मैंने ब्लू बैकग्राउंड प्रोवाइड किया है, 10 पहले आना चाहिए रेड बैकग्राउंड का और ब्लू बैकग्राउंड का जो 10 है वो बाद में आना चाहिए। लेकिन जब हमें शॉर्टेड एरे मिली जो हमारे पास में हमारा फाइनल आउटपुट आया, यहाँ पर ब्लू बैकग्राउंड के 10 पहले आ गया और रेड बैकग्राउंड का 10 बाद में आया। इट मीन्स यहाँ पे ऑर्डर प्रिजर्व नहीं हो रहा है, इसलिए हम सिलेक्शन शॉर्ट को अनस्टेबल शॉर्ट भी कहते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या ध्यान में रखने हैं, जितने एलिमेंट्स हैं उतनी टाइम लूप चलेगा, एवरी टाइम जितनी बार भी लूप आपका चलता है एक एलिमेंट अपनी पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंच जाता है और इसलिए हम इसको इन प्लेस शॉर्टिंग भी कहते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।